हेलो गाइज, मैं हूं सुब्रत। आप देख रहे टेक्निकल गुरु जी यूट्यूब चैनल। तो आपके सामने है बजाज पल्सर 150 नियॉन एडिशन। तो यहां पे मैंने इसको पूरा कन्वर्ट कर चुका हूं टू इन डिश का स्टिकर लगा के। तो आपने तो देखा होगा यहां पे स्टिकर लगा हुआ है और ये पल्सर का ओरिजिनल लोगो है। और पीछे आप देख सकते हो टू इन डिश 150 का स्टिकर लगा हुआ है। इसका पूरा वीडियो आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। तो आज हम क्या करेंगे, इस बाइक के ऊपर हम करेंगे जो सोलर रेड का स्टिकर अप्लाई करेंगे, जो कि अभी 2022 में आ चुका है। तो यहाँ पे ये कलर आप देख सकते हो रेड कलर है, लेकिन जो सोलर रेड है वो कुछ दूसरे कलर का है। यहाँ पे हेडलाइट में कोई भी स्टिकर आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि 150 टू इन डिश में कंपनी कोई भी स्टिकर नहीं दिया है आपको। तो यहाँ पर ये खाली खाली लग रहा है। तो आपके सामने जो स्टिकर है ये है सोलर रेड पल्सर 125 2022 वर्सन BS6 मॉडल का है। तो ये जो कलर है सोलर रेड है, और अपना जो बाइक है उसमें जो कलर है वो है इवनी ब्लैक। तो ये कलर मैच नहीं करेगा, मुझे पता है। तो फिर भी हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, काफ़ी अच्छा नहीं लगेगा मुझे पता है। लेकिन यहाँ पे पूरा ब्लैंक होने का कारण हम इसे यूज़ करेंगे। अगर आपको ये पार्ट नंबर कॉपी करना है 36DH4364 है, आप कॉपी कर सकते हो। और ये है किट फेयरिंग डेकल। फेयरिंग का मतलब आगे का हेडलाइट का जो वाइजर होता है उसे फेयरिंग कहते हैं। डेकल का मतलब स्टिकर है। तो यहाँ पर आप अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। ये स्टिकर आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हो, मेरे से अवेलेबल है, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। स्टिकर का प्राइस काफ़ी अच्छा है, 100 रुपये के अंदर ये आपको मिल जाएगा, कोरियर चार्जेस अलग से। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये कलर थोड़ा सा अलग है, और यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक होने के कारण कोई भी स्टिकर मुझे नहीं मिला। तो ये नया मॉडल का आया है, हुआ है 2022 मॉडल का। तो हम थोड़ा सा इसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिखा है नियॉन 125 सोलर रेड, और ये LH का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बाएं तरफ का, और ये RH साइड मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है, दाएं तरफ का। तो दोनों आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये मैच नहीं करेगा, ठीक है। फिर भी मैं इसे लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आप चाहे तो अगर आपका बाइक में आपने टू इन डिश का स्टिकर अप्लाई किया है, तो आप ये वाला स्टिकर मेरे से लेके अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छा दिखने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल ब्लैंक है, थोड़ा सा आपको कुछ भी लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसके कारण मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा बाइक आप देख सकते हो काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता है, मैं इसको हमेशा धो के रखता हूँ। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कोई भी स्टिकर और डस्ट वगैरह नहीं है, मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दो लेयर होता है, एक स्टिकर का नीचे वाला हिस्सा और एक ऊपर वाला हिस्सा, बीच में स्टिकर रहता है। तो आप सबसे पहले मैच कर लो कि कहीं पे आपको टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, तो अच्छे से साफ़ कर लो अगर आपको लगाना है मेरे से लेके। तो वीडियो को ध्यान से देख लो, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट कर लो, अगर आपको ये चीज़ें चाहिए नीचे कमेंट कर लो। मैं नंबर यहाँ पे देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि नंबर जब भी देता हूँ बहुत सारे लोग फ़ोन करके परेशान करते हैं, लेते तो कुछ नहीं, तो इसके वजह से मैं नंबर डिस्क्रिप्शन पर नहीं दूँगा, ठीक है। अगर आपको इमरजेंसी है तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। अगर आपको लेना है तो स्टिकर को इस तरह से थोड़ा सा नीचे से उल्टा करना है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा जो है पील करना है, पील का मतलब होता है खींचना, ठीक है। तो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो, अच्छे से देखो, सीधा टेढ़ा ना होके ठीक से लगाए, पहले देख लो। तो अच्छे से इसको लगा के अप्लाई कर देना है, बिल्कुल जैसे मेरे तरह। तो मेरे को यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये अपना ओन रिस्क है, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो ये ख़राब हो सकता है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारा पड़ा है, इसका टेंशन मैं नहीं लेता। अगर आपको लगाना है तो आपको टेंशन लेना पड़ेगा थोड़ा सा, तो धीरे धीरे करके आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा इसको रगड़ना है, स्टिकर ख़राब नहीं होगा। स्टिकर के ऊपर आपको और एक लेयर रहता है, ताकि ये स्क्रैच बच्चे से बच जाए। तो इसके कारण आप इसे आराम से अगर घसेंगे तो नीचे वाला जो ग्लू रहेगा, जो चिपकने वाला ग्लू, वो एक्टिव हो जाएगा थोड़ा सा गर्म होने के कारण। आप बिल्कुल ऐसे ही कुछ ही टाइम करने के बाद आप उसको छोड़ देना है, और उसके बाद आप ऊपर वाला हिस्सा को निकाल देना है। ये क्या हो गया हमारा लेफ्ट राइट साइड का, तो हो गया। अभी हम लेफ्ट साइड में करेंगे। तो लेफ्ट साइड में बिल्कुल उसी तरह आप अच्छे से साफ़ सफाई कर लेना। आप देख रहे थे यहाँ पे बिल्कुल मेरा हेडलाइट चमक रही है, तो शाइनिंग भी काफ़ी अच्छा है। 3 साल का बाइक हो चुका है, फिर भी नया जैसा लगता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अच्छे से साफ़ करेंगे, उसके बाद हम स्टिकर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो लेफ्ट साइड राइट साइड वाला कौन सा हिस्सा, अच्छे से ध्यान रख लेना, नहीं तो आप अगर राइट साइड वाला निकाल के लेफ्ट साइड में डालोगे तो होगा नहीं, उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल ख़राब दिखेगा। तो उसके कारण आपको
बिल्कुल अच्छा व्यू नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ से मैच कर सकते हो कि कौन सा हिस्सा कहाँ पे है, ठीक है। LHRH तो लिखा रहता है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करके बेफिक्र होके आराम से कीजिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि स्टिकर अगर एक बार लग भी गया आप दूसरी बार उसको उतार सकते हैं। तो बिल्कुल लेफ़्ट साइड उसी तरह करना है, लगाने के बाद थोड़ा सा घिस लेना है, घिसने के बाद आप ये जो ग्लू है वो एक्टिव हो जाएगा गर्म होने के बाद, ठीक है। थोड़ा सा गर्मी हाथ पाई चाहिए तो आपके पास तो नहीं होगा वो जो ग्लू गन जो कहते हैं हीट एयर गन की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे आराम से लगा के देख सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पे है, कलर मैच नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है। फिलहाल क्या करेंगे, कंपनी तो अलग अलग कलर निकालता रहता है हर महीने में, 6 महीने में। तो कैमरा में आपको ऐसा दिख रहा है कलर मैच हो जा रहा है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है, ये सोलर रेड है और वो इवनली ब्लैक है। फाइनली मैंने यहाँ पर कम्प्लीट कर चुका हूँ ये वाला दोनों साइड, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो अभी क्या करना है आपको, ये जो आप देख सकते हो अभी इसको पील करना है, ठीक है। पील का मतलब वो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे आपको निकालना है धीरे धीरे करके। दोनों साइड मैंने लगा के छोड़ दिया हूँ कुछ ही देर, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। कुछ लोग बोलते हैं कि स्टिकर लगाने के बाद उसके ऊपर हॉट एयर गन मारना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, मारेंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर ये छोटा सा स्टिकर उठेगा नहीं इतना जल्दी, मेरे को पता है जहाँ तक, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, बजाज शोरूम से मैंने लेके आया था। तो अभी इसका टाइम हो चुका है पील करने का, ऊपर वाला जो रेड कलर पत्ती दिखाई दे रही है जहाँ पे लिखा था सोलर रेड, वहाँ से पकड़ के आप इसे निकाल सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ दूसरा काम किया है, मैंने नीचे से पकड़ के उतारा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। सो गाइस, स्टिकर इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो नीचे कमेंट कर देना, अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में जो बेल आइकन उसे दबा देना। अगर आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है तो सर्च बार में टाइप करना होगा इंस्टाग्राम का टेक्निकल गुडूजी 3, तो आपको मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा, वहाँ पर फॉलो कर लेना मुझे, क्योंकि वहाँ पर भी आप मेरे से बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहना टेक्निकल गुडूजी।